इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है एज अ फूड साइंस एज अ फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट अपने कॉलेज में तो मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं आपका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है हो सकता है सेप्टेम्बर में स्टार्ट होने वाला हो या फिर अगस्त में स्टार्ट होने वाला हो सो so, ये एक सही टाइम है बनाने का वीडियो और इवन अगर आपका लेट uh, से कॉलेज चल रहा है आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आप एक्चुअली कभी भी अप्लाई कर सकते हैं बट अच्छा ये रहेगा कि ये गलतियाँ आप शुरुआत से ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो सबसे पहली गलती जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में लिंकडिन पर आते हैं और नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं हो सकता है तब आपको जॉब मिल जाए लेकिन गलती ये करते हैं एक्चुअली कि लिंकडिन पर पहला मैसेज जो आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास वो ये आता है कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ अगर आपके पास जॉब है तो आप प्लीज़ मुझे जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं क्या सो so, ये इस तरीके से काम नहीं करता सबसे पहले आपको लिंकडिन पे आके वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है लिंकडिन uh, के बारे में अगर आप जानना चाह जा रहे हैं तो मेरे पास अलग सेपरेट चैनल है हरी विर्षाद के नाम से ही है लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं ऑलरेडी दो वीडियोज़ हैं लिंकडिन पर uh, आ गई होगी वीडियो मेरे ख्याल से या फिर आने वाली होगी लिंकडिन की ठीक है तो लिंकडिन पर अपना अकाउंट या अपनी प्रोफाइल जो है जितनी जल्दी हो सके बनाइए नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करिए ये तो पहली गलती है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि कोई आके आपको जॉब देगा ठीक है ऐसा हर बार नहीं होता अगर कैंपस प्लेसमेंट्स हैं तो अच्छी बात है ज़्यादातर कॉलेजेस में अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं है तो आपको लिंकडिन पे रिलाई करना पड़ेगा आपको रिलाई करना पड़ेगा अपनी नेटवर्क पर ठीक है इसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग की अगर बात करें तो पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड नहीं करते देखिए एच ई सी सी पी का कोर्स हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स करें मैं बोलता हूँ एच ई सी पी का कोर्स कर लो या फिर जो भी कोर्स कर लो प्रॉब्लम यह है कि जो आपने यूडीमी से कोर्स लिया है या फिर जिस अकेडमी से कोर्स लिया है वहाँ से कोई भी पैसे दे के कोर्स कर सकता है ठीक है लेट से सौ लोगों ने सेम कोर्स कर लिया अब आप बाकी लोगों से किस तरीके से स्टैंड आउट करोगे कर आप स्टैंड आउट करोगे कर बाय बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा पर्सनल ब्रांड के बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूँ अगेन इसके बारे में भी सेपरेट चैनल पर वीडियोज हैं आपको मेरे चैनल पर नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं है गूगल पे जाके सिंपली अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड आपको लाखों रिजल्ट्स आ जाएंगे कोई भी एक ब्लॉग को पकड़ो या कोई भी एक वीडियो को पकड़ो और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो और ऐसे मत सोचो कि पर्सनल ब्रांड वही बिल्ड करते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं उसके भी तरीके होते हैं ठीक है आपके जो नॉलेज है वो आप शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए वेट मत करिए परफेक्शन का परफेक्ट कोई भी पोस्ट नहीं होता अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए लिंकड पर स्पेशली ठीक है तो इसके बाद बहुत सारे लोगों के बेसिक्स ही सही नहीं होते बेसिक्स का मतलब यह है कि कई बार आप पूछेंगे कि सर ड्राई बेसिस और वेट बेसिस में जरा अंतर बता दीजिए क्या डिफरेंस है सो दे डोंट नो अब ये जैसे एक एग्जाम्पल है इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेसिक केमिकल इक्वेशंस नहीं पता या फिर बेसिक एच के बारे में चीज़ें नहीं पता तो अपने बेसिक सबसे पहले क्लियर कर लीजिए राइट दीज आर द वेरी बहुत ही अंडरस्टैंडेबल या बहुत ही लॉजिकल बातें लगेंगी बट यू विल बी फैसिनेटेड टू नो के बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होती बेसिक बातें में ठीक है तो जस्ट बाय डूइंग द बेसिक्स राइट यू कैन स्टैंड आउट अगली क्या चीज़ है अगली क्या गलती है लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क नहीं करते डी दे डू नॉट वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स अब कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है लिखित इसमें वर्बल आ जाता है जैसे कि अभी मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ लेकिन वन ऑन वन कन्वर्जेशन भी हो सकता है वन टू हंड्रेड कन्वर्जेसन भी हो सकता है उसे आप पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हैं ठीक है तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग इंटरव्यू में अभी तो खैर वर्चुअल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं बट आई एम श्योर के ऑफलाइन इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट होंगे तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करती है आपका जो क्लोथिंग का स्टाइल है वो बहुत मैटर करता है अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड कपड़े पहना है इसका मतलब ये है कि क्लीन क्लोथ्स पहनना अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना आई होप यू अंडरस्टैंड दैट रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब है कि एसेज लिखना या आर्टिकल्स लिखना या रिसर्च पेपर लिखना नहीं वो नहीं होता जब आप अपना ई लिख रहे होते हैं ना वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है तो ई किस तरीके से लिखते हैं प्लीज़ वो भी समझिए बहुत सारे ई आते हैं मुझे एंड आई डो नॉट रिप्लाई देम सिंपली बिकॉज उनकी सब्जेक्ट लाइन ही नहीं पता उन्होंने कोई सब्जेक्ट लाइन ही नहीं लिखी उन्होंने कोई सेल्यूटेशन नहीं लिखी कि डियर अरीब सैया डियर अरीब या जो भी है हाय अरीब या हेलो अरीब कुछ कोई भी सेल्यूटेशन नहीं है लास्ट में रिगार्ड्स बेस्ट या फेयर वार्म रिगार्ड्स वार्मेस्ट रिगार्ड्स नथिंग नथिंग एट ऑल ठीक है और जस्ट एक लाइन लिखी हुई है कई बार लोगों ने मैसेज की जो बॉडी है ई की जो बॉडी है वो सब्जेक्ट लाइन में एंटर की हुई है तो ई लिखना समझिए अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये सब चीज़ें आप बता दीजिए मैं सर बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर लिंकड पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बता रहा हूँ अपने पर्सनल चैनल पर लेकिन स्टिल अगर आपको वो कंटेंट समझ नहीं आ रहा जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत सारे लोग ने शायद नहीं देखी या फिर जो भी है बट आप अगर मेरे से नॉलेज नहीं लेना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है गूगल पर जाके सिंपली टाइप कर दीजिए कि हाउ टू राइट ए इन ई मेल उसको समझिए उसको इम्प्लीमेंट करिए बिकॉज आपका ई मेल जो है आपकी पर्सनैलिटी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन को दर्शाता है ठीक है तो इसके बाद क्या है इसके बाद यह है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते आप वापस धीरे धीरे करके कॉलेज खुलने लग जाएंगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि हम क्या करेंगे पार्ट लेके ये सब फालतू की बातें होती हैं लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब आप पार्ट लेते हो ऐसी एक्टिविटीज़ में जैसे एंकरिंग हो गया डिबेटिंग हो गया फेस्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टॉल्स लगाने को मिलते हैं इससे हो सकता है आपका रिज्यूमे में ज़्यादा डिफरेंस ना आए लेकिन इससे कॉन्फिडेंस काफ़ी मिल जाता है मेरी कोशिश रहती थी कॉलेज में कि मैं एंकरिंग करूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था uh, मैंने एक बार आई थिंक एक्सटेम्पोरे भी किया था सो so, मेरी कोशिश रहती थी क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट था हो सकता है आपको एक स्टॉल लगाने में इंटरेस्ट हो कोई चीज़ बेचने में इंटरेस्ट हो सो यू कैन ट्राई दैट आउट ठीक है बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेजेस में उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप so, सो उनसे हेसिटेट मत करिए वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा ये हो सकता है कि आप इंटर्नशिप्स नहीं लेते राइट बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि इंटर्नशिप internship, अच्छा इंटर्नशिप के अप्रोच में लोग क्या लोग ITC, करते हैं लोग आई टी सी मॉन्डलेज नेस्ले इनको जाके ई मेल करते हैं ऑफकोर्स वहाँ से ये वापस कोई रिस्पॉस नहीं आता तो पाँच छः जगह से जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो हार मान जाते हैं कहते हैं अरे हमें तो कोई इंटर्नशिप ही नहीं दे रहा पूरे इंडिया में कोई इंटर्नशिप ही नहीं दे रहा तो पूरे इंडिया में हज़ार से ज़्यादा आई थिंक कंपनीज़ होंगी फूड कंपनीज़ होंगी अगर आप हज़ार पे भी नहीं सौ लोगों को भी कोल्ड ई करोगे तो वहाँ से आई एम श्योर एक ना एक जगह से इंटर्नशिप का ऑफर आपको ज़रूर आएगा ठीक है तो कोल्ड ई मेलिंग अगेन यहां पे ई मेलिंग की बात आ गई और ई मेलिंग आप किसको करोगे डिसीजन मेकर को करोगे ठीक है डिसीजन मेकर मतलब कि हो सकता है सीईओ एक कंपनी का डिसीजन मेकर हो या फिर वहां पे टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हो ठीक है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर टीएम होते हैं वो इंटर्न्स को हायर करते हैं वो लोगों को हायर करते हैं कोशिश करें कि लिंग पे जाके आप उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट बना सके ठीक है तो इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा ये हो सकता है कि आप ट्रेंड्स को नहीं सुन रहे ट्रेंड्स को नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स अगर अपने करिकुलम पे अपनी जो बुक्स हैं उसी पे फोकस करते रहते हैं कई बार और वो ध्यान नहीं देते कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में अब ट्रेंड्स जानने की ज़रूरत ये है क्योंकि देखिए बहुत जल्दी जल्दी फूड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है हो सकता है अब्रॉड में कुछ बहुत सारा इनोवेशन आ रही हो आपको पता ही नहीं है जब इनोवेशन के बारे में पता ही नहीं है तो आप फिर उसके उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं या फिर आपका दिमाग उस तरीके से कैसे चलेगा कई बार इंटरव्यूज में भी एफ के नए नॉर्म्स या नए स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो कोशिश करें कि एफ की वेबसाइट या फिर लिंक इन पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं फूड के लेके फूड इंडस्ट्री को लेकर उनको ज्वाइन करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि काफी ट्रेंड कर रहा है ऑल्टरनेटिव प्रोटीन ट्रेंड कर रहा है तो उसके बारे में देखेंगे कि किस किस तरीके की इनोवेशनस आ रही हैं ये जो भी नए ट्रेंड्स हैं अगेन गूगल पे जाके आप सिंपली सर्च कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री ट्रेंड्स या फिर फूड प्रोसेसिंग ट्रेंड्स इन इंडिया भी कर सकते हैं या इन द वर्ल्ड भी कर सकते हैं इसके अलावा लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी शेयर कर रहे होते हैं कि आ, कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं क्या क्या रिसेंट न्यूज़ वगैरह है तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखें खाली अपनी डिग्री को जो डिग्री पे अगर फोकस कर रहे हैं ना तो काम नहीं बनता तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा हो सकता है कि आपके कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं राइट मॉइस्चर कंटेंट का हो सकता है बहुत सिंपल सा सग्जाम्पल है या फिर कोई केमिकल कंपोजिशन हमें एनालिसिस करनी है जो भी चीज़ है सिंपल से सिंपल चीज़ हो या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ हो अटेंटिव रहें उस प्रैक्टिकल पर ध्यान दें घर आके एकदम से उसके नोट्स बना लें और उन नोट्स को कैमरे में या तो स्कैन करके कहीं पे स्टोर कर लें क्लाउड स्टोरेज पे या अपनी ड्राइव पे स्टोर कर लें ताकि उसको कुछ नुकसान ना हो जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो उसको एक बार रिवाइज़ कर लें ठीक है कई बार क्या होता है कि आप एक क्वालिटी एनालिस्ट की पोजीशन पे जा रहे होते हैं या लैब में अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो ये प्रैक्टिकल्स से ही पूछ लिया जाता है सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल्स से ठीक है तो कोशिश करें कि अपने प्रैक्टिकल्स पर ज़रा ध्यान दें बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते वो कहते हैं कि हाँ बाद में कर लेंगे बट प्लीज uh, कर, पे अटेंशन टू द प्रैक्टिकल्स और ट्राई टू लर्न बियॉन्ड योर डोमेन ये जस्ट एक जनरल करियर गाइडेंस के तौर पर से आप ले लीजिए कोई गलती नहीं है लेकिन अगर आप फूड इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं तो कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानने की कोशिश करें बिकॉज देखिए खाली साइंस को जानने के जानने का फायदा तब है जब आप उसको अप्लाई करेंगे ठीक है कोई इनोवेशन है या फिर uh, so, लेट से कोई थ्योरी है सो खाली थ्योरी से जानने से फायदा नहीं होगा uh, क्योंकि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है दैट इज राइजिंग डेटा एनालिटिक्स हो गया मशीन लर्निंग हो गया एआई हो गया दैट इज राइजिंग तो कोशिश करें कि एआई को मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स को फूड के साथ आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं क्योंकि जब आप ये दो डोमेन्स को जोड़ देंगे तो वहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं हो सकता है कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप करने आगे जाके जो कि फूड इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स के काम आ जाए ठीक है तो अपनी डोमेन तक ही सीमित ना रखें अपने आप को ट्राई टू एक्सप्लोर अदर डोमेन्स एज वेल और बहुत सारे लोग रिलेवेंट स्किल्स डेवलप नहीं करते अब रिलेवेंट स्किल्स ऑफकोर्स इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दी है उसको आप जाके चेक कर लीजिए बहुत सारे लोग दे जस्ट डोंट डेवलप द रिलीवेंट स्किल्स और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी देखिए जॉब तभी मिलेगी जब आप एक स्किल्ड कैंडिडेट होंगे ठीक है स्किल्ड कैंडिडेट होंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो स्किल्स होना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक और मैं जनरल करियर गाइडेंस देना चाहूंगा कि कोशिश करें अपने कॉलेज के टाइम पे फ्री लांसिंग सीखें तो फ्री लांसिंग से देखिए क्या होता है कि आप कंटेंट राइटिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट एस गूगल एड्स डिजिटल मार्केटिंग कॉपी राइटिंग तो ये जो डोमेन्स हैं अलग अलग इनसे आपको क्या होता है थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाती है ठीक है और हो सकता है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से फ्री स्टार्ट कर देते हैं और थर्ड ईयर तक फोर्थ ईयर तक आते आते वो इतनी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं फ्रीलांसिंग में कि उनको फूड इंडस्ट्री में करने की जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनके पास इतना अच्छा खासा इवन लैक्स में रुपीज़ कई फ्रीलांसर्स कमाते हैं और मैं ये सुपरफिशियली नहीं बोल रहा बहुत सारे लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं आप यूट्यूब पर जाके क्यूरियस हरीश टाइप कर सकते हैं या फिर अमन आ, मैं एक्चुअल में नाम भूल गया उस भाई का बिट्स पिलानी से है आई थिंक ईशान शर्मा हाँ ईशान शर्मा आप जाके गो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट फ्री लांसिंग सो अलग अलग तरीके हैं वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं ये नेसेसरीली फूड से रिलेटेड नहीं है लेकिन इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा इससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एक तो थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाता है और आपको थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाती है स्टार्टिंग में और उस पॉकेट मनी से आप बुक्स खरीद सकते हैं या फिर आप उसे ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीद सकते हैं ठीक है तो ऑनलाइन कोर्स खरीद के अगर वहाँ से एक अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उससे आपकी प्रोफाइल भी एलिवेट हो जाती है सो so, डेफिनेटली अगर मनी कहीं से आ सकता है एक स्किल आप एडिशनल सीख सकते हैं जो कि ट्रेंड कर रही है और वहाँ से उस स्किल को मोनिटाइज करके पैसे कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाया जाए राइट right. तो ये जस्ट एक जनरल करियर गाइडेंस है और ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है ये आपकी चॉइस है आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर मैं होता आपकी जगह पे अगर मैं कॉलेजपुर से स्टार्ट कर रहा होता और अभी मेरे पास जैसे फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देता ताकि मेरे पास कुछ इनकम आनी स्टार्ट हो जाए ये थी कुछ बातें और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा लगा होगा ये कुछ करियर गाइडेंस की टिप्स ये कुछ गलतियाँ हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं मैं देखता हूँ फ़ाइनल ईयर में आके अगर वो चाहते भी हैं कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाए या फिर लिंक पे उनका प्रेजेंस बिल्ड हो जाए तो वो चुटकियों में नहीं होता क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है एक दिन में चीज नहीं करती क्योंकि भाई जो तीन साल से मेहनत करते हुए आ रही है एक लड़की और जो एक लड़की सोच रही है कि लास्ट एक महीने में हम मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे तो लॉजिकल सेंस नहीं बनाता राइट तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मिलते हैं अगली बार क्लास डिसमिस्ड